Hey modern champs, good morning to all. How's your dear students? I hope so all are very good and enjoying your video, also increasing your knowledge and develop your skill. Dear students, आज हम SST में क्लास फिफ्थ के बच्चे ध्यान देंगे. हम SST के वन स्टोरी को पढ़ने जा रहे हैं जो आपको कैसे इंक्रीज करता है कि आप डिजिटल हो जाइए. डिजिटल होने के लिए आपको उसके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, किस तरीके से आप अपने आप को पावर टू एम्पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो आज हम SST के इस एक्ट को, स्टोरी को पढ़ेंगे और समझेंगे. दिस इज़ इन योर SST बुक चैप्टर एज वेल एज अ एक्टिविटी बुक. सो डियर स्टूडेंट्स, चलिए रीड करते हैं और समझते हैं. This is your Digital India Power to Empower. So, यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे हैं. यहाँ पे एक बॉय है और उनके ये दादू हैं, आपस में टॉक करते हैं किस तरीके से डिजिटल इंडिया कॉन्सेप्ट को हमें बाहर लाना है. ओके, समझते हैं डियर स्टूडेंट. यहाँ पे बात करते हैं. बॉय कहता है, दादू वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो. यहाँ पे दादू कहते हैं, आई एम गोइंग टू द ऑफिस ऑफ टाटा पावर, मैं टाटा पावर ऑफिस जा रहा हूँ. फिर यहाँ पे बॉय कहता है, यू वर नॉट वेल इन द मॉर्निंग एंड नाउ यू आर गोइंग आउट, अभी तो आप सुबह बिल्कुल भी ठीक नहीं थे और आप अभी बाहर जा रहे हैं. फिर दादू क्या रिप्लाई करते हैं, उदित इट इज़ वेरी अर्जेंट, टुडे इज़ द लास्ट डेट ऑफ द पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल. बच्चों यहाँ पे देखिए, दादू कहते हैं कि उदित से, बॉय का नेम क्या है, उदित है, कि उदित ये बहुत ज़रूरी है, आज बिजली के बिल जमा करने का लास्ट दिन है, लास्ट डे है, सो ये काफ़ी ज़रूरी है. फिर क्या होता है, यहाँ पे उदित कहता है, बट दादू हाउ यू डोंट हैव टू स्टैंड इन क्यू and to pay any bill, you can do that online sitting at home. कहते दादू आपको लाइन में खड़े होने की क्या ज़रूरत है बिजली जमा करने के लिए, जब आप घर बैठ कर ही ऑनलाइन जमा कर सकते हैं. तो दादू कहते हैं, how is that possible, ये कैसे मुमकिन है. तो उदित क्या कहता है, have not you heard about Digital India campaign लॉन्च बाई द प्राइम मिनिस्टर ऑन जुलाई 2015. यहाँ पे उदित कहता है, दादू क्या आपको याद नहीं है, क्या आपने नहीं सुना है डिजिटल इंडिया कैंपेन के बारे में, जिसको हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने लॉन्च किया था जुलाई में. तो दादू कहते हैं, यस आई हियर आई रीड अबाउट इट इन द न्यूज़पेपर बट आई डोंट नो इट्स डिटेल. हाँ, मैंने न्यूज़पेपर में इसको पढ़ा था लेकिन मैं इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं जानता हूँ. फिर आगे क्या होता है, उदित कहता है, द एम ऑफ दिस कैंपेन इज टू कनेक्ट हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क दस टू इम्प्रूव डिजिटल लिटरेसी. डियर स्टूडेंट, यहाँ पे उदित समझाता है अपने दादू को, दादू हमारे डिजिटल इंडिया का कैंपेन का मकसद है कि लोगों को एक वाइड नेटवर्क में जुड़ना है और स्पीड ऑफ नेटवर्क का इस्तेमाल करके अपने सभी वर्क को डिजिटली पूरा करना है. फिर दादू क्वेश्चन करते हैं, बट हाउ कैन दिस बी हेल्पफुल टू मी, ये किस तरह से हमारा मददगार है, हम किस तरीके से इससे मदद ले सकते हैं. फिर यहाँ पे उदित कुछ शो करता है, कहता है, इट हेल्प्स पीपल टू डू ऑल द बैंकिंग एक्टिविटीज़ ऑनलाइन, यू कैन मेक योर रिजर्वेशन एंड पे द बिल्स ऑन जस्ट अ क्लिक ऑफ अ बटन नाउ. बस दादू आप एक बटन क्लिक करते ही आप अपने काम को कर लेंगे, बिल जमा कर लेंगे. अब आपको बस क्या करना है, बैंकिंग एक्टिविटीज़ से ऑनलाइन जुड़ना है और अपना अकाउंट रिजर्व कर देना है जिससे कि आप बिल सबमिट कर सकें. अब देखिए आगे क्या होता है, यहाँ पे फिर उदित कहता है, नॉट ओनली दिस यू कैन नाउ रजिस्टर योर कंप्लेंट एंड कम्युनिकेट विद पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड सिटिंग एट होम.
कहते हैं कि आप इंटरनेट से जुड़कर आप सिर्फ अपने काम को ही नहीं कर सकते हैं, आप बहुत सारे कंप्लेन भी कर सकते हैं, अपने कम्युनिकेशन को भी बढ़ा सकते हैं, लोगों से बातचीत कर सकते हैं सिर्फ घर पर बैठकर। तो यहाँ पे दादू कहते हैं बट आई डोंट नो हाउ टू वर्क ऑन कंप्यूटर। दादू कहते हैं मुझे कंप्यूटर पे काम करना नहीं आता है, मैं कैसे करूँगा। तो फिर उदित कहता है आई विल टीच यू दादू, मैं आपको सिखाऊँगा। तो दादू कहते हैं उदित थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया। यहाँ पे दादू कहते हैं उदित से कि उदित थैंक यू सो मच, आपने मुझे डिजिटल इंडिया का एक पार्ट बना दिया, अब मैं भी डिजिटल हो गया हूँ। और यहाँ पे फिर उदित कहता है वी शुड बी थैंकफुल टू बी गवर्नमेंट फॉर दिस ड्राइव। कहता है हम सभी को गवर्नमेंट का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हमें इस योग्य बनाया। बच्चों इस स्टोरी से आप क्या समझते हैं? इस स्टोरी से आप समझते हैं कि हम अपने काम को डिजिटली रूप से आसानी से कर सकते हैं, कुछ सेकंड में कर सकते हैं अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करके। जिस तरीके से आज आप भी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, आप वही काम कर रहे हैं लेकिन आप अपने इंटेलिजेंस को इंक्रीज कर रहे हैं एज अ डिजिटल वर्क। ओके डियर स्टूडेंट, आज का आपका होमवर्क यही है, सारे वीडियो को पार्ट्स को अच्छे से देखिए और कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स, आपको 20 डिफिकल्ट वर्ड्स को राइट करना है, जिसमें से बहुत सारे बच्चे जिनको बहुत सारे वर्ड डिफिकल्ट लगते हैं वो सभी वर्ड्स को राइट करेंगे और अच्छे से लर्न करेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, कम्युनिकेशन हो गया, कंप्यूटर हो गया, डिजिटल हो गया, ये सारे वर्ड्स आप चूज़ करके गवर्नमेंट हो गए और सभी पेजेस से डिफिकल्ट वर्ड को चूज़ करेंगे और SST कॉपी में राइट करेंगे। ये आपका होमवर्क है। ओके डियर स्टूडेंट, दिस इज़ योर होमवर्क, इन्जॉय योर वीडियो, थैंक यू सो मच।